हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरु जी इंजीनियर में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरु जी इंजीनियर को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसको इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक भी हम बोलते हैं, ये हमारा BTUP उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सेम सिलेबस है। इसका जो थोड़ा बहुत चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो आपको कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम, यूपी में इंजीनियरिंग ड्राइंग के नाम से आती है और उत्तराखंड में इंजीनियरिंग ग्राफिक के नाम से यही फर्स्ट सेमेस्टर में ड्राइंग आती है। इसको हम बिल्कुल बेसिक से आपको एक एक पॉइंट, बिल्कुल एक एक स्टेप के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ब्रीफली आपको बताते चलेंगे और आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आने देंगे। ठीक है, हम आपको आज इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और इंस्ट्रूमेंट कितने हमारे इंस्ट्रूमेंट है, किनका यूज कहाँ पर होता है, वो सब आपको एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी हम डिटेल में बताते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में सबसे पहले मैं बता देता हूँ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या है? इंजीनियरिंग ड्राइंग एक इंजीनियरिंग लैंग्वेज होती है। कैसे? इंजीनियरिंग ड्राइंग इज द ग्राफिक लैंग्वेज ऑफ इंजीनियर। इंजीनियर की जो ग्राफिक लैंग्वेज होती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंजीनियरिंग ड्राइंग। यानी कि जो इंजीनियर्स होता है उसकी लैंग्वेज ही क्या होती है? इंजीनियरिंग ड्राइंग या इंजीनियरिंग ग्राफिक। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन इससे भी बड़ा मैं दे सकता था, बस शॉर्ट में समझिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं हमारे? ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट ये मैंने यहाँ पर सभी ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट लिखे हैं, इनके बारे में एक एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आगे आपको लेक्चर मिलेगा। चार चार पाँच पाँच दस दस मिनट का लेक्चर हम बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपने जो टॉपिक है उन पर चलेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले ये इंस्ट्रूमेंट भी समझने बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट होता है ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड कैसा होता है? जैसा आपका बोर्ड होता है ना, जैसा आपका बोर्ड होता है उसी प्रकार का आपका ड्राइंग बोर्ड होता है। ये होती है आपकी ड्राइंग शीट। सबके बारे में हम इनका साइज भी आपको बताएंगे, एक एक टॉपिक लेंगे। जैसे पहले ड्राइंग बोर्ड लेंगे, फिर ड्राइंग शीट लेंगे। और ठीक है, ऐसे ही आपका टी स्क्वायर होता है। टी स्क्वायर कैसा होता है? जैसे टी टाइप की स्केल होती है ऐसा हमारा टी स्क्वायर होता है। सेट स्क्वायर आपके दो सेट स्क्वायर चलते हैं, एक तो 45 जिसके दोनों एंगल 45 के हो, और एक होता है जिसका एक एंगल 30 डिग्री का और एक एंगल 60 डिग्री का होता है, वो हम सेट स्क्वायर प्रयोग करते हैं। मिनी ड्राफ्टर आपका होता है, मिनी ड्राफ्टर आपको दिखा देंगे हम कैसा होता है। और एक होती है आपकी इंजीनियरिंग स्केल, जो स्केल होती है उसको इंजीनियरिंग स्केल बोलते हैं। प्रोटेक्टर आपका होता है। ठीक है, और आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो होता है उसमें आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं, जैसे लार्ज साइज कंपास। ठीक है, लार्ज साइज कंपास विद इंटरचेंजेबल पेंसिल, इसमें हम पेंसिल इंटरचेंजेबल कर सकते हैं। दूसरा इसमें आता है लार्ज साइज डिवाइडर आता है। ठीक है, लेंथनिंग बार आती है और सेंटर व्हील कंपास आता है, और ऐसे ही सेंटर व्हील डिवाइडर आता है। ठीक है, एक्सेट्रा बहुत और सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसमें। एक आपको पता होना चाहिए फ्रेंच कर्व कैसा होता है, इसका यूज कहाँ होता है, वो सब हम आपको बताएंगे। पेंसिल आपकी 3H, 2H, H और HB आर मोस्टली यूज की जाती है। हम सारी पेंसिलों के बारे में बताएंगे, जितनी प्रकार की भी पेंसिल आपकी होती है सभी पेंसिल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेंसिल कटर एंड सैंड पेपर, वो भी 0 नंबर का सैंड पेपर आप यूज कर सकते हो, या आप कटर यूज कर सकते हो पेंसिल को बारीक करने के लिए। रबर या इरेजर आप यूज कर सकते हो, यूज होता है यानी कि डस्टर, ड्रॉइंग बोर्ड, पिन या क्लिप, ये सब इंस्ट्रूमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होंगे एक्सेट्रा, तो इन इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको कंप्लीट पता होना चाहिए, जो आपको किसमें आते हैं इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं किसमें? इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में। इंजीनियरिंग ड्रॉइंग में ये इंस्ट्रूमेंट आपके यूज होते हैं, और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी मैंने एक्सेट्रा में कर दिया है। ठीक है, तो आपको क्या क्या याद रखना है? ड्रॉइंग बोर्ड सबसे ज्यादा यूज आपका होगा, ड्रॉइंग बोर्ड का यूज होता है, ड्रॉइंग शीट का यूज होता है। आपके पास सेट स्क्वायर की जगह पर आपका पूरा काम क्या कर देता है? मिनी ड्राफ्टर। आप जो यूज करेंगे, आप ड्रॉइंग बोर्ड का यूज करेंगे, ड्रॉइंग शीट का यूज करेंगे और मिनी ड्राफ्टर का यूज करेंगे, स्केल का आप यूज करेंगे। प्रोटेक्टर का यूज आप करना चाहते हो तो ऐसे जरूरत नहीं पड़ती, मिनी ड्राफ्टर ही प्रोटेक्टर का काम भी कर देता है। ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट का, इनका सभी का यूज होगा ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट का। फ्रेंच कर्व की आपका इतना अच्छा यूज नहीं है, आप डस्टर का यूज होगा आपका। ड्रॉइंग बोर्ड, क्लिप और पेंसिल, क्लिप आपके यूज होंगे, रबर आपकी यूज होगी और कटर यूज होगा और पेंसिल यूज होगी। ये मोस्टली आपके यूज किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट ड्रॉइंग बनाने के लिए। ठीक है, ये था आपका ड्रॉइंग इंस्ट्रूमेंट और इंट्रोडक्शन, इसका छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था। अब हम आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे कि ड्रॉइंग बोर्ड क्या है, ड्रॉइंग बोर्ड के साइज कितने कितने प्रकार के साइज के हमारे ड्रॉइंग बोर्ड आते हैं, ड्रॉइंग शीट के हमारे साइज क्या क्या होते हैं। ठीक है, सबके बारे में हम आपको डिस्कस करते चलेंगे। थैंक यू।